हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई फॉर इंजीनियरिंग में। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, उसका नाम है एक्सावेटर, इसे बैको भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आप देखिए, ये हुंडई की मशीन है और सबसे आगे इसमें बकेट होता है, उसके बाद स्टिक होती है, उसके बाद बूम होता है, इसमें सिलेंडर्स होते हैं, 1 2 3 4 चार सिलेंडर्स हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये एक छोटे से घर जैसा होता है और एक कैबिन इसको आप बोल सकते हैं। और ये कैबिन इसलिए बनाया गया रहता है कि ये ऑपरेटर के लिए खास करके होता है। इसमें एक एडजस्टेबल चेयर होती है और ताकि जो भी हमारे ऑपरेटर हैं वो किसी भी मौसम आराम से ईजिली और सुरक्षा के साथ में अपने काम को करते रहें, इसलिए ये पूरा कैबिन सेटअप करके दिया जाता है। और ये चैन सिस्टम है, ये चैन से ही चलता है। ये देखिए, ये जो प्लेट है ये असेंबल करके बनाई गई है, ये इसी के सहारे आगे पीछे चलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सावेटर जो होता है ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे वर्क करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। और अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए, ये इसमें ये एडजस्टेबल चेयर है और ख़ास करके आप ये देखिए, ये हाइड्रोलिक फंक्शन लॉक है। अगर इसको हम देखिए, अभी लॉक पे है, नीचे के साइड में है तो ये लॉक है, इसका सारा फंक्शन लॉक है। जब हम इसको ऊपर करते हैं लाइक दिस तो ये अनलॉक हो जाता है, राइट। और इसका जो पूरा फंक्शन काम करता है उसके लिए हम चार यहाँ पे लीवर दिए गए हैं। ये लेफ़्ट साइड का लीवर है, वो राइट साइड का लीवर है, दो मार्चिंग लीवर दिए गए हैं। इसकी सहायता से ही हम एक्सावेटर को पूरी तरीके से वर्क में लेते हैं, चाहे वो मिट्टी आपको निकालना है, किसी चीज़ को आगे धक्का देना है, किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ को रोटेट करना है, या पूरा का पूरा ये सिस्टम रोटेट हो जाता है। या आपको जो पूरा कैबिन दिख रहा है ये पूरा बना हुआ, ये आगे पीछे पूरा अच्छे तरीके से मूव करता है, राइट। तो हम अब आगे ये बात करने वाले हैं ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को बताने से पहले आप उन्हीं के एक्सपर्ट को आप बुलाइए, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज होती है। तो मैं आपको एक एक्सावेटर ऑपरेटर से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है मिस्टर विनोद, और वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, करके दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं मिस्टर विनोद जी से। ये हैं मिस्टर विनोद जी, आप इनसे मिलिए एक बार। हेलो भाई, मेरा नाम विनोद है, ये मशीन का ऑपरेटर हूँ मैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, आप एक एक चीज़ें बताइएगा किस तरीके से वर्क करती हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, इस कैबिन में इनके लिए एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम है, एसी भी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा एक्सावेटर स्टार्ट हो गया है, अब विनोद जी बताएंगे आपको कौन सा फंक्शन किस किस तरीके से काम करता है। तो विनोद जी बताइए। हाँ, ये लॉक है, ऐसा। हाँ, स्टार्ट करने के बाद इसको हम अनलॉक कर देते हैं, राइट। हाँ, अब उसके बाद लीवर का वर्क बताइए, लीवर किस तरीके से वर्क करता है। ये बता रहे हैं कि आपके पास ये जो आगे वाले दो मार्चिंग लीवर हैं, इसकी वजह से मशीन को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। और जो राइट हैंड वाला लीवर है और जो लेफ्ट हैंड वाला लीवर है, इसको हम राइट लेफ्ट रोटेट, इससे सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, राइट हैंड वाला लीवर जैसे ही इन्होंने पीछे किया, पूरा बूम सहित लेके बकेट वगैरह सारी चीज़ें अब ऊपर उठने लगी, राइट। ये देखिए एग्जैक्टली, हाँ, बूम को अप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके गुड। हाँ अच्छा, हाँ अब वो देखिए, बूम और बकेट के बीच में जो एरिया है उसको स्टिक बोलते हैं। अब लेफ्ट वाले लीवर्स इसको हम, हाँ ओके, ये देखिए देख रहे हैं, बढ़िया है। हाँ, अब बकेट के लिए है, राइट वाले लीवर से बकेट ओपन करेंगे ना। हाँ, अच्छा बंद करेंगे फिर, ठीक है। राइट वाले लीवर को हम लेफ्ट साइड में जैसे करते हैं तो बकेट ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। ये
राइट साइड करेंगे तो ओपन हो जाएगा। हाँ दोनों का फंक्शन, हाँ प्लस फंक्शन है, सही है। मतलब लेफ्ट वाले लीवर से ये वाला सिलेंडर वर्क करता है, राइट? लेफ्ट वाले लीडर लीवर से ये जो बूम वाला सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर वर्क करता है। हाँ सही है। एक साथ में फंक्शन देखिए इसका। हाँ बिल्कुल, डबल फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दोनों चीज़ें साथ में काम करनी होती है तो डबल फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। अब थोड़ा सा एक बार आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। ये स्विंग करने के लिए होता है, स्विंग करने के लिए। देखिए सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, देख रहे हैं, वहाँ से लगा के प्रेशर, ये इसको हम सीधा कर लिए, ये होती है पावर। अब हम आगे चलते हैं धीरे 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 धीरे। ये इस तरीके से आगे, और इस तरीके से हम स्विंग करते हैं, राइट? स्विंग, ये देखिए पूरा फंक्शन, आप सारा सिस्टम आपको इधर से उधर कर दिया जा सकता है। देखिए ये इस एंगल में आ गया, 90 डिग्री घूम गया, चैन घुमाएंगे। चलिए चैन घुमा के दिखाइए आप, देखिए दैट्स द पावर ऑफ दिस एक्सेलरेटर। वाओ, हाँ ये मार्चिंग लीवर की वजह से हो रहा है ना। हाँ क्योंकि मार्चिंग लीवर की वजह से ही आगे पीछे होता है, तो उसकी वजह से ही रोटेट करेगा, राइट? हाँ एक बार घुमाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये वो मार्चिंग लीवर की सहायता से नीचे करेंगे तो पीछे की साइड में क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज में घूमता है ये। और ये देखिए, और ये पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इसको इन्होंने यहाँ पे टिकाया हुआ है, उसकी वजह से इन्होंने आगे इसको उठा दिया था। ये है हाइड्रोलिक पावर। इसका यूज़ खास करके हम लोग ट्रेंचिंग में करते हैं, किसी चीज़ को उठाने में हो गया तभी इसका यूज़ किया जाता है। और ये हमारे विनोद जी हैं, ये एक्सपर्ट हैं, वह को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हैं, एक्सेलरेटर चलाने में माहिर हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी, कुछ भी नॉलेज चाहिए इसके बारे में, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस जाके कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ठीक है? बिल्कुल, आप कमेंट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, आप विनोद जी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए विनोद जी, थैंक यू सो मच।